दोस्तों काफी रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ फनस्कूल इंडिया लिमिटेड का जेंगा। तो आज इस बॉक्स को ओपन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस गेम को कैसे खेल सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों ये ब्लॉक्स आते हैं इस बहुत ही प्यारे कैरिंग केस के अंदर। जब भी हमें जाना हो आउटडोर पिकनिक या जाना हो दादी के नानी के मौसी के यहाँ, तो इसे यहाँ से आराम से उठाओ और आराम से लेकर जाओ। इसे ओपन करने के लिए सिंपली हमें यहाँ से इस स्ट्रिंग को खींचना है और ढक्कन को ऊपर उठाएंगे तो अंदर है ना ये निकल के आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे जेंगा के ब्लॉक्स। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं इस पैकेट को और निकालते हैं इन ब्लॉक्स को बाहर। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 54 वुडन ब्लॉक्स मिल जाते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे है। फनस्कूल इंडिया की तरफ से आते हैं तो आपको पता ही है फिनिशिंग तो अच्छी होगी, मटेरियल भी काफी यहाँ पे अच्छा मेरे को दिख रहा है। तो जल्दी से ब्लॉक्स को स्टैक करते हैं, खड़ा करते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़े से रूल्स बताता हूं और उसके बाद हम लेंगे एक जेंगा चैलेंज। दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पे एक टावर बनाना है और टावर बनाने की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। आपको तीन ब्लॉक ऐसे रखने हैं और तीन ब्लॉक इस तरह से रखने हैं और इसी तरह आप टावर को बनाते चले जाओगे। तो जल्दी से टावर को बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और उसके बाद हम लेंगे एक जेंगा चैलेंज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टावर खड़ा कर लिया और आप सोचेंगे कुछ ब्लॉक्स नीचे क्यों हैं? तो ये ब्लॉक सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। आपको सारे के सारे ब्लॉक्स ही यहाँ पे लगाने हैं। अब गेम को कौन प्लेयर स्टार्ट करेगा, जो प्लेयर इस टावर को खड़ा करेगा उसकी पहली चांस होगी और वो गेम को स्टार्ट करेगा। अब गेम में हमें करना क्या, गेम में बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें कोई भी ब्लॉक्स निकालना है इस टावर से और उसे ऊपर की तरफ रख देना है। अब इसे निकालने और रखने के कुछ रूल्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। तो गेम का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई ब्लॉक कहीं से निकालोगे तो आप एक बार में एक ही हाथ का यूज करोगे या फिर आप उसे इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट याद रखेंगे कि एक बार में एक ही हाथ का यूज होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने इसे ऐसे यूज किया, अब मैं इसे निकाल के कुछ इस तरह से यहां पे यूज करूंगा तो यहां पे मैं एक ही हाथ का यूज कर रहा हूं भले ही मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं ऐसे कर रहा हूं यहां सपोर्ट दे दिया या ऐसे कर लिया ये कर दिया या ऐसे कुछ भी, मतलब आप दो हाथ एक बार में टच नहीं कर सकते हो। तो गेम का ये पहला रूल है। अब ये ब्लॉक मैंने निकाला, इसे सिंपली मुझे ऊपर की तरफ रख देना है। अब यहाँ पे भी एक रूल है कि मैं ऐसा नहीं कि ऐसे रख दूं ऐसे रख दूं, आपको वो ब्लॉक जो है ना कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है जैसे ये नीचे है उसी तरह। अगला ब्लॉक जो अगला प्लेयर निकालेगा वो ऐसे रखेगा, अगला ब्लॉक ऐसे आएगा और उसके बाद अगला ब्लॉक ऐसे और फिर आगे इसी तरह से फॉर्मेशन में ये रखे जाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी एक प्लेयर ने ऊपर की तरफ ब्लॉक रखा, मान लो मैंने रखा, उसके बाद 10 सेकंड तक उसी प्लेयर की चांस मानी जाएगी। मींस कि अगर मैं ये ब्लॉक रखता हूँ और 10 सेकंड रखने के बाद 10 सेकंड के अंदर अगर ये गिर जाता है ना तो मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा या हार जाऊंगा, ये समझ। एक और चीज़, जब भी आप कोई ब्लॉक निकालते हो, मान लो मैंने इसे हिलाया और ये ऐसे हिल गया तो आप बोलोगे अरे यार ये हिल गया मैं दूसरा निकालता हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने जो इसकी कंडीशन की है ना पहले आपको वापस इसको सीधा करना पड़ेगा तब आप दूसरा ब्लॉक जो है वो ट्राई कर सकते हो। और आप इसके लिए भी एक बार में एक ही हाथ यूज़ करना है, चाहे आपने ऐसा कर दिया चाहे कैसा कर दिया, ये रूल तो चेंज हो नहीं सकता बिल्कुल भी। और गेम का विनर कौन होगा, बहुत ही सिंपल है भाई, जिससे ये गिर गया जो पहले प्लेयर बचेगा पहले वाला प्लेयर गेम का विनर बन जाएगा क्योंकि उसने इसे गिराया नहीं है। तो जल्दी से करते हैं एक जेंगा चैलेंज और देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये गेम। तो सेट हो चुका है गेम, तो पहला ब्लॉक मैं ही निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाला और अब सीधा इसे ऊपर स्टैक कर देते हैं। नेक्स्ट चांस प्लीज। लग गया भाई। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। निकालो निकालो भाई, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है इधर। ओके 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 ओके। वेल 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 प्लेड। अब मैं कौन सा ब्लॉक निकालूं, ये निकलेगा क्या? अरे निकलेगा निकलेगा निकलेगा। जिंग 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 जिंग।
ओके शेल ऊपर आ गया है। ओके सही से सीधा करो, सीधा सीधा बिल्कुल ओके। राह में बहुत कांटे बिछ चुके हैं, हम भी बिछाएंगे। ओ नो ये भी नहीं निकलेगा क्या? जिंग 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 आठ। यस ओह फाइनली हमने निकाल ही दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि जेंगा कैसे खेलते हैं और बड़ा मजा आता है यार इसे खेलने में। तो ये जो पैक था ना ये थोड़ा मुझे नया लगा क्योंकि पहले वाले पैक्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। तो काफी दिन से मेरे पास था भी, तो मैंने वीडियो जो यहाँ पे बना दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।